कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को हाथरस की भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा राहुल गांधी सुबह सुबह अलीगढ़ के पिलखना पहुंचे। यहां वो हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिले। इसके बाद वो हाथरस में नवीपुर खुर्द वैभव नगर स्थित ग्रीन पार्क पहुंचेंगे, जहां वो आशा देवी, मुन्नी देवी और ओमवती के परिवार वालों से मिलेंगे। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये दुखद हादसा है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मौत हुई है, प्रशासन की कमी तो है और भी गलतियां हुई हैं, पीड़ित परिवारों को सही मुआवजा मिलना चाहिए, मैं यूपी के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दें, मुआवजा जल्द से जल्द देना चाहिए, परिवार वालों से मेरी बातचीत हुई है। हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस घटना में आयोजन समिति से जुड़े 6 सेवादारों को गिरफ्तार भी किया गया। वह इस घटना के मुख्य आयोजक, मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी पर 1,00,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की गई है। गिरफ्तार लोगों में उपेंद्र, मंजू यादव, मुकेश कुमार शामिल है। घटना पर अलीगढ़ की आईजी शलभ माथुर ने कहा कि जोन स्तर पर सभी जिलों में एसओजी की टीमों को आरोपियों को चिन्हित व गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। साथ ही मौके से मिले साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा बनाया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों ने बताया कि बाबा के चरण रज लेने से काफी कष्ट दूर हो जाते हैं। गिरफ्तार लोगों ने बताया कि सेवादार के रूप में कार्य करते हैं, समिति के अध्यक्ष व सदस्य हैं। विवेचना में अगर बाबा का नाम आता है तो उस बिंदु पर कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ने पर बाबा से पूछताछ की जाएगी। आईजी ने बताया कि मृतकों की संख्या 121 है, सभी शवों की पहचान हो गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राहुल गांधी के दौरे के बाद पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने कहा, राहुल गांधी ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। मैंने उनसे कहा कि चलते समय लोग बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए भागे, जिसके बाद वो एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे के ऊपर गिर गए। जब मेरी माँ घर नहीं आई तो हम उन्हें ढूंढने गए, वहाँ कीचड़ में लथपथ शव मिला। पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने बताया कि राहुल गांधी ने हमसे पूछा कि दोषी कौन है। हमारे अनुसार इस घटना के लिए बाबा जिम्मेदार है।